आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड यानी बीए फाइनल हिस्ट्री के लिए आधुनिक भारत का इतिहास जो आपका पेपर है उसमें से आज हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला 3 पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हम दो वीडियोस है वो देख चुके हैं प्रश्न का। वैसे तो जो आपके पार्ट टू अपलोड है ही है, इसके साथ साथ मोस्ट क्वेश्चन आंसर जो है उससे संबंधित हम दो वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और 2। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपनी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इनको अच्छे से याद कर लें, देख लें, ताकि आपके लिए एग्जाम में अच्छे से आप उनको सरल कर सके। इसमें छोटे और बड़े सभी प्रकार के प्रश्न हैं, ताकि आपके लिए सभी प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सके। और आपके जो ये प्रश्न है वो है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और संगठन वाला जो पार्ट है, जो टॉपिक है, उसमें से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ऐसा अगर मान लो प्रश्न आ जाता है छोटा, तो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो कब हो गई? लगभग 1600 ईस्वी में। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजों को भारत में अपनी बस्तियां स्थापित करने की अनुमति कैसे प्राप्त हुई। अंग्रेज जो है भारत में अपनी बस्तियां स्थापित कर सके, इसके लिए अनुमति कैसे प्राप्त हुई, तो लिखना है कि कंपनी के पहले जहाज को भारत में आते ही पुर्तगालियों से टक्कर लेनी पड़ी और पुर्तगालियों को परास्त कर अपनी सैनिक श्रेष्ठता का को प्रमाणित करने पर उन्हें भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अपनी बस्तियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई। यानी जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ पर पुर्तगाल की कंपनियां थी, पुर्तगाल के लोग यहाँ पर व्यापार करते थे और उन पुर्तगालियों को हरा करके और उन्हें अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाणित करना पड़ा कि हम उनसे ज्यादा बलशाली हैं और हम ज्यादा जो है भारत के लिए वफादार हैं। इस प्रकार का प्रमाण उन्हें देना पड़ा और तब उन्हें बस्तियां स्थापित करने का क्या की अनुमति प्राप्त हुई। अगर प्रश्न आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम व्यापार कहां से शुरू किया, तो कंपनी ने सर्वप्रथम जो सूरत को केंद्र बनाकर के अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसे प्रादेशिक लाभ जो है सर्वप्रथम दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ। यानी जो सबसे ज्यादा जो लाभ जो है उन्हें दक्षिण भारत में प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे पहले उन्होंने व्यापार अपना सूरत से शुरू किया था। प्रश्न आ जाता है कि वांडीवास के हिंदू राजा ने कंपनी को वर्तमान मद्रास नगर का क्षेत्र कब प्रदान किया था। वांडीवास के हिंदू राजा ने कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्तमान जो मद्रास नगर का क्षेत्र कब प्रदान किया, और वो किया था आपके 1639 ईस्वी में। कब किया था? 1639 ईस्वी में वांडीवास के हिंदू राजा ने कंपनी को वर्तमान मद्रास नगर का क्षेत्र प्रदान किया और इस क्षेत्र में कंपनी को किला बनवाने की भी अनुमति प्रदान होने पर कंपनी ने यहाँ पर सेंट जॉर्ज नामक प्रसिद्ध किला बनवाया था। यानी 1639-40 में जो सेंट जॉर्ज किला है वो भी कंपनी ने यहाँ पर वर्तमान जो मद्रास में बनाया था। इसी प्रकार अगर प्रश्न आ जाता है, कुछ तथ्य इस पे ऐसे भी है जैसे विशेष तथ्य भी है कि कंपनी को बंबई का क्षेत्र है वो कब मिला था, 1669 में। कब मिला था? 1669 में। हुगली को अपना केंद्र बनाकर व्यापार प्रारंभ करना शुरू किया था 1651 में। कब किया था? 1651 में। इसी प्रकार प्रश्न आ जाता है कि कंपनी को मद्रास के पास कौन से 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई। मद्रास के पास किन 3 गांवों की जो जमींदारी है कब प्राप्त हुई, कौन से 3 गांव थे। तो कंपनी को 1696 ईस्वी में मद्रास के पास जो 3 गांव है, सुकनती, गोविंदपुर और कलकत्ता, इनकी जमींदारी 1696 में प्राप्त हुई और 12,000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले में इनको जमींदारी वहां की मिली थी। प्रश्न आ जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की स्थिति कैसी थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुगल साम्राज्य के 3 पृथक पृथक सूबे थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये 3 स्टेट कह सकते हैं, 3 सूबे थे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता आ गई और उस काल में मुर्शिद कुली जफर खां एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लगा था। मुर्शिद कुली खां, कुली जो जफर खां है वो वहां पर शासन करने लगा और भारत के तीनों जो समृद्ध सूबे एक ही व्यक्ति के शासन के अंतर्गत आ गए थे, यानी मुर्शिद कुली खां के। और 1727 ईस्वी में उनकी भी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा था सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला उसका उत्तराधिकारी बना मुर्शिद कुली खां के बाद में।
और 1739 में सुजाउदौला की भी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसका बेटा बना था सरफराज खान। सरफराज खान बना, उत्तराधिकारी बना, और सरफराज खान जो अत्यंत निर्बल और अयोग्य व्यक्ति था और बहुत ही विलासी व्यक्ति था। इस प्रकार बंगाल की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, यानी बार बार जो है इनका उत्तराधिकारी बदलना और उत्तराधिकारियों पर आक्रमण होना, अंग्रेजों के अधीन हो जाना, इस तरह से क्या है कि उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक बस्ती कहां और कब स्थापित की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक बस्ती 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नगर में स्थापित की थी। कहां की थी? 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नगर में स्थापित की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति कैसी थी? बंगाल में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने एक फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने प्रदान किया था बंगाल सूबे में अधिकार व्यापार करने का, और कंपनी द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल को चुंगी कर से मुक्त रखने की सुविधा भी प्रदान की गई थी। कंपनी को यह भी अधिकार दिया गया था कि कंपनी के द्वारा जो भी माल निर्यात किया जाता था उस पर चुंगी कर नहीं लगता था। और 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने एक फरमान द्वारा कंपनी के सामान को लाने और ले जाने पर लाए जो चुंगी कर था या जो सीमा शुल्क था उसे भी मुक्त कर दिया था, यानी एक फरमान जारी कर दिया 1717 ईस्वी में। और किसने? सम्राट फर्रुख सियर ने, कि यहां से अंग्रेज जो है वो सामान ले जाते हैं चाहे लाते हैं, उन पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। ज्यों ज्यों मुगल शासकों की सत्ता कमजोर होती गई, बंगाल के सूबेदार लगभग स्वतंत्र शासक बन बैठे, और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया की कंपनी जो स्थिति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति वो अच्छी थी, उन्नत अवस्था में थी। अलीवर्दी खान ने मराठों के साथ समझौता कब और क्यों किया? अलीवर्दी खान जो था, अलीवर्दी खान एक योग्य और पराक्रमी सेनानायक था, परंतु मराठों के बार बार आक्रमण से बंगाल के आर्थिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बार बार मराठों का आक्रमण हो रहा था और वहां आर्थिक जीवन जो है पूरी तरह से तबाह हो गया था, और 1751 ईस्वी में मराठों के साथ उसने समझौता कर लिया। किसने? अलीवर्दी खान ने। और इस समझौते के अनुसार उसे उड़ीसा का अधिकांश भाग मराठों को देना पड़ा। प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए और चौथ के बदले में उनका चौथ के बदले में देने का वचन भी, 12 लाख रुपए है वो वार्षिक चौथ के रूप में, यानी यूं कह सकते हैं कि कर के रूप में उन्हें देना स्वीकार किया गया। तो समझौता इसलिए किया कि वहां पर मराठों का आक्रमण था और वो अपने आप की स्थिति को बचाने के लिए उसने समझौता किया। सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य संघर्ष के दौरान हिंदू व्यापारियों ने कंपनी का सहयोग क्यों नहीं किया? सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य संघर्ष के दौरान हिंदू व्यापारियों ने कंपनी का सहयोग क्यों किया था? भाई जैसे सिराजुद्दौला का क्यों नहीं, वैसे सिराजुद्दौला जब नवाब बना था तो हिंदू व्यापारियों ने उसका सहयोग किया था, लेकिन जब उनके बीच में संघर्ष हुआ, अर्थात जब तनातनी हो गई थी सिराजुद्दौला के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, तब हिंदू व्यापारियों ने उनका साथ देने का क्या कारण था? कि बंगाल का अधिकांश व्यापार हिंदू व्यापारियों के हाथ में था, और यूरोपीय कंपनियों के संपर्क में आने के बाद हिंदू व्यापारियों को कारोबार अधिक बढ़ गया था, क्योंकि जब वो उनके पास आ गए तो क्या है कि उनके उनका माल है वो विदेशों में जाने लग गया था, और वे काफी समृद्ध भी हो गए थे। बंगाल से अब कृषि पदार्थों के अलावा सूती कपड़े और रेशम का भी भारी मात्रा में निर्यात होने लगा था। बंगाल में कृषि पदार्थों के अलावा सूती कपड़े और रेशमी जो चीजें थी वो बाहर जाने लगी थी, और इस बढ़ते हुए व्यापार और पर्याप्त मुनाफे ने बंगाल के हिंदू व्यापारियों को अंग्रेजों का मित्र बना दिया था। इसीलिए जब उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ तो हिंदू व्यापारियों ने, यही कारण है कि जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष हुआ तो बंगाल के हिंदू व्यापारियों ने कंपनी के साथ सहानुभूति रखते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यानी कंपनी का साथ दिया। अलीवर्दी खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष का क्या कारण था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और अलीवर्दी खान के बीच में संघर्ष का क्या कारण था? अलीवर्दी खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के आपसी संबंध कभी मैत्रीपूर्ण थे नहीं, रहे नहीं थे। विवाद का एक कारण था व्यापारिक सुविधाएं। अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं दी गई वो सबसे बड़ा कारण था। और क्या कारण था? कंपनी का यह कहना था कि उसे 1717 के शाही फरमान के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रही है। फर्रुख सियर ने जो 1717 में जो उन्हें वहां पर व्यापार करने के जो फरमान जारी किया था उसमें जो शर्तें लिखी गई थी, अंग्रेज ये कह रहे थे कि उस फरमान के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उसके विपरीत नवाब का यह कहना था कि कंपनी को जो सुविधाएं दी गई है वो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं।
और जिससे बंगाल के सरकारी कोष को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। तो ये दोनों के बीच में संघर्ष का कारण था। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई 10 अप्रैल 1756 को, 82 वर्षीय अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थी। और अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में अपने अपनी सबसे छोटी पुत्री का बेटा था सिराजुद्दौला, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी जैसे जीवन काल में उसके उत्तराधिकार के लिए उसे पता था कि उत्तराधिकार के लिए जो 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों के जो दामाद है, दामाद भी वो उसके भतीजे थे, तीनों क्या थे, भतीजे थे। उन भतीजों से अपनी बेटियों का जो संबंध कर रखा था, तो उसे मालूम था कि इनके बीच में संघर्ष होगा, उत्तराधिकार का संघर्ष होगा। इसलिए उसने अपने जीवन काल में उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, उसका एक बेटा था सिराजुद्दौला, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। प्रश्न आ जाता है कि घसीटी बेगम कौन थी? घसीटी बेगम अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी जो बेटी थी, लड़की थी, वो थी। दस्तक किसे कहा जाता था? दस्तक क्या था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दस्तक बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष अपने दस्तक से कंपनी के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का पत्र जारी करता था। इसे दस्तक अथवा फ्री पास कहा जाता था। यू कह सकते हैं कि वो एक फ्री पास था, अपना साइन करके और एक पत्र देता था, जिससे क्या है उसका माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती थी, उसे दस्तक कहा जाता था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारण लिखिए, ये बड़ा प्रश्न है, 20 अंकों वाला प्रश्न इसमें आ सकता है। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के कई कारण थे। वैसे अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण तो सिराजुद्दौला के एक तो विलासिता, क्रूरता और शासन में अत्याचार थे। आज के विद्वान जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कुछ कारण इस प्रकार मानते हैं। सबसे पहला राजनीति कारण। राजनीति कारण का अर्थ है कि सिराजुद्दौला जब नवाब बना था तो बनते ही उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, और जब उसने प्रयास किया तो उसकी विरोधी जो घसीटी बेगम, जो उसकी मौसी भी थी, घसीटी बेगम और उसके दीवान थे, एक तो राजवल्लभ था, एक शौकत जंग था और मीर जाफर था। उन्होंने क्या किया, उसकी नवाबी, उनको नवाबी से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। यानी जब विरोधी घसीटी बेगम और दीवान राजवल्लभ, शौकत जंग और मीर जाफर उसकी नवाबी से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने का प्रयास भी किया। दूसरी तरफ अंग्रेजों का विश्वास था कि भावी संघर्ष में नवाब हार जाएगा, इसलिए उन्होंने उसके विरोधियों का साथ दिया ताकि भविष्य में उन्हें अधिक व्यापारिक और राजनीतिक सुविधाएं मिल सके। पहला राजनीतिक कारण था कि अंग्रेज जो है ये चाहते थे कि जब हम इसके जो विरोधी है उनका साथ देंगे तो इसको हटाने में सुविधा होगी, या ये अपने अपने पास आकर के गिड़गिड़ाएगा या अपन से सहायता लेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इससे जो चाहेंगे वो सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। तो एक तो राजनीतिक कारण था। दूसरा था अंग्रेजों के प्रति संदेह। शुरू शुरू में तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखता था, लेकिन 1752 ईस्वी में जब कंपनी के अध्यक्ष हुगली आए थे तब सिराजुद्दौला ने आदर पूर्वक उन्हें सम्मान भी किया था। नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला के रूप में अंतर आ गया। 1752 में वो नवाब नहीं था, लेकिन नवाब बन गया था तो उसके रूप में, उसके व्यवहार में अंतर आ गया था, और उसने अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखने लग गया था और उनकी कार्रवाइयों को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, जिससे क्या है कि अंग्रेज उसके शत्रु बन गए। जब वो नवाब नहीं था तब तो उसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, नवाब बनने के बाद में क्या है कि उनको संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। तीसरा कारण था नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। एक कारण यह भी था, सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेज अधिकारी जानबूझ करके नहीं आए थे। जब उनका राज्यारोहण हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, तो उनको नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, और ना ही सिराजुद्दौला को उन्होंने कोई भेंट दी थी, ना ही कोई गिफ्ट दिया था, और उनकी ये कार्रवाई एक प्रकार से नवाब के प्रति उनकी अशिष्टता थी, नवाब को अच्छा नहीं लगा। और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की जो कासिम बाजार में फैक्ट्री थी, उसने कहा कि भाई मैं इस फैक्ट्री को देखना चाहता हूं, तो अंग्रेजों ने फैक्ट्री को दिखाने से ही मना कर दिया। और जब नवाब ने उनके व्यापार के बारे में जानकारी चाहिए कि भाई आपको कितना व्यापार मिलता है, कितना व्यापार हो रहा है, कितना बचत हो रही है, कितनी तुम टैक्स में दे रहे हो, तब अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों ने कोई जानकारी नहीं दी। इस प्रकार क्या है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। चौथा है व्यापारिक झगड़ा। ये भी बहुत बड़ा कारण था। सम्राट जो फर्रुख शेर था, उसने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान के द्वारा बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा अंग्रेजों को दी थी। ठीक है, इससे एक तरफ तो भारतीय व्यापारियों के हितों को हानि पहुंच रही थी, दूसरी तरफ राजकोष में हानि भी हो रही थी।
बाद में अंग्रेजों ने इस सुविधा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यापारियों से, भारत के व्यापारी थे, उनसे कुछ ले दे करके और उनके माल को अपना बता करके चुंगी बचा लेते थे। यानी भारत के व्यापारियों से क्या करते, भारत के व्यापारी कहते हैं कि मैं आपको, जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपए का सामान है और वो सरकारी खजाने के हिसाब से चुंगी जो है मान लो 200 रुपए बनती है, अंग्रेज कहते हैं कि आप मुझे 100 रुपए दो, मैं आपके माल को बता दूंगा, तो आपके तो 100 रुपए बच जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है कि उन्होंने अपना माल बता करके और चुंगी को बचाना शुरू कर दिया। और नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ कोई नया समझौता करना चाहता था जिससे मौजूदा व्यवस्था को दूर किया जा सके, लेकिन अंग्रेज जो है अपने इस विशेष अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों पक्षों में तनाव का ये एक मूल कारण बन गया था। एक कारण यह है नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना। अंग्रेजों ने, अंग्रेजों की कलकत्ता बस्ती नवाब के तथा राजद्रोहियों के लिए आश्रय स्थल बनी हुई थी। अंग्रेजों की जो कलकत्ता बस्ती थी, नवाब के जो राजद्रोही थे अर्थात नवाब से जो यूं कह सकते हैं कि नवाब से जो विरोधी थे उनको वो आश्रय देते थे। जब नवाब ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तो उनके दीवान राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने लड़के कृष्ण वल्लभ के साथ कलकत्ता भिजवा दी। उसने घसीटी बेगम की धन संपत्ति को भी छिपाने का प्रयास किया। इस पर क्या है कि नवाब ने उसे दीवान पद से हटा दिया और कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारियों से कृष्ण वल्लभ को लौटाने की मांग की, जिससे अंग्रेज ने ठुकरा दिया। यानी अंग्रेज जब घसीटी बेगम की संपत्ति लेकर के और वो कृष्ण वल्लभ वहां से भाग गया था तो वो जाकर के कहां अंग्रेजों की जो बस्ती थी वहां रेन लग गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उस कृष्ण वल्लभ को बताने से इनकार कर दिया। इससे क्या है कि सिराजुद्दौला को पक्का विश्वास हो गया कि अंग्रेज जो है उसके शत्रुओं से मिले हुए हैं। इसके अलावा एक कारण ये था कलकत्ता की किलेबंदी। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध की संभावना हो गई। जब सिराजुद्दौला नवाब बना था उस समय इंग्लैंड में, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध की संभावना बढ़ गई। इसलिए भारत में स्थित दोनों कंपनियां जो थी, फ्रांस की और इंग्लैंड की दोनों कंपनियां, उनमें भी आशंका उत्पन्न हो गई कि भाई जैसे ये फ्रांसीसी है ये इंग्लैंड के हैं। तो दोनों ने क्या किया, बंगाल में अपने अपने स्थानों की किलेबंदी शुरू कर दी और सैनिक संख्या बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से सस्पेक्ट हो रहा था। नवाब ने दोनों को आदेश दिया कि वे स्थानों की किलेबंदी का काम तुरंत बंद कर दें। नवाब ने कहा कि नहीं, आप इस प्रकार किलेबंदी नहीं कर सकते, आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो उस नवाब के आदेश को मान लिया, लेकिन अंग्रेजों ने आदेश की परवाह नहीं की और वे उस समय कलकत्ता के चारों तरफ एक खाई खुदवा रहे थे। क्या कर रहे थे, खाई खुदवा रहे थे। जब नवाब के अधिकारी, उन्होंने खाई को भर देने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि भाई अरे ये खाई क्यों खोद रहे हो, खाई पाट दो, ये खाई वापस यानी भर दो। तब एक अंग्रेज अधिकारी ने बड़े ही अहंकारी अंदाज में जवाब दिया कि ये खाई अवश्य भर दी जाएगी परंतु मुसलमानों के सिरों से भरी जाएगी। जब सिराजुद्दौला को उनकी इस उद्दंडता की सूचना दी गई तो उसने अंग्रेजों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और इस सूचना से दोनों पक्ष के मध्य झगड़े के कारण बढ़ते गए। यानी जब उन्हें इस प्रकार की सूचना मिली कि वो तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तब उनके बीच में और भी संघर्ष बढ़ते गए। तो इस प्रकार उन्होंने कलकत्ता पर अधिकार भी किया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण कब किया, कब किया, 4 जून 1756 को। सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद के समीप कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। अगर प्रश्न आ जाए कि कासिम बाजार फैक्ट्री की घटना क्या थी, तो आप जानते हैं 4 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद के समीप स्थित कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया तो फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था वाट्स, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने सैनिक बल से 15 जून को नवाब की सेना ने पूरे दुर्ग, जो उनके दुर्ग फोर्ट विलियम को घेर लिया था, 15 जून तक पूरे फोर्ट को घेर लिया था, फोर्ट विलियम को। और मृत्यु और पराजय को सामने देख करके गवर्नर जो ड्रेक था वो बहुत से अंग्रेज अधिकारियों के साथ और अपने परिवार सहित फोर्ट विलियम की रक्षा का भार होलवेल नामक एक व्यक्ति को और कुछ थोड़े से सैनिकों को सौंप करके और हुगली नदी में जहाज पर बैठ करके और फुलटा टापू में चला गया था। कहां चला गया था, फुलटा टापू। और 2 दिन बाद होलवेल को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। ये थी कासिम बाजार फैक्ट्री की घटना। इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास में ब्लैक होल के नाम से कौन सी घटना विख्यात है अथवा काल कोठरी की घटना क्या है। जब फोर्ट विलियम पर नवाब का अधिकार हो गया था
तो 20 जून 1756 को दुर्ग में उपस्थित अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। दुर्ग में जितने भी जो सैनिक थे तो उन सैनिकों को बंदी बना लिया गया। और कहा जाता है कि नवाब के एक अधिकारी ने रात्रि में एक छोटी सी कालकोठरी जो 18 फीट बाय 20 फीट की थी उसमें उन सभी अधिकारियों को बंद कर दिया और उनकी संख्या 146 के लगभग बताते हैं कि 146 आदमी को उन्होंने उसमें बंद कर दिया। और सुबह जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो बहुत से बंदी मर चुके थे क्योंकि उस काल कोठरी में किसी प्रकार की कोई हवा की खिड़की वगैरह नहीं थी और दम घुट करके बहुत सारे मर गए। इतिहास में यह घटना जो है ब्लैक होल के नाम से विख्यात है अथवा काल कोठरी की घटना के नाम से जानी जाती है। अगर प्रश्न आ जाए कि कुछ इतिहासकार ब्लैक होल घटना की सत्यता में विश्वास क्यों नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्लैक होल की जो घटना इतिहास में हम पढ़ते हैं वो सही नहीं, इसका कुछ तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? ब्लैक होल की घटना पर इतिहासकारों में गंभीर विवाद है। इस घटना के का विवरण हॉलवेल की घटना पर आधारित है। कुछ फ्रांसीसी और आर्मेनियन दस्तावेजों में इसका उल्लेख मिलता है लेकिन मरने वालों की संख्या है वो एक नहीं मिलती है। तो इनका तर्क एक है, इस घटना की सत्यता में विश्वास नहीं करने वाले लोग तर्क देते हैं। पहला तर्क देते हैं कि तत्कालीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ शेर ए मुंतखरीन और रायस उल सलातीन दो तरह के उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेज है, इनमें इन घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि ये प्रमाणिक जो दस्तावेज है तो इनमें कोई इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरी बात एक ये कहते हैं कि तत्कालीन अंग्रेजों की जो पुस्तकें हैं मद्रास काउंसिल के दस्तावेज कंपनी के डायरेक्टरों के को का क्लाइव तथा वाटसन द्वारा लिखे गए पत्र इनमें भी इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं कंपनी के जो डायरेक्टर को क्लाइव और वाटसन ने जो लेटर लिखे थे उनमें भी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं मिलता है। और गणित के हिसाब से उस कालकोठरी में 146 व्यक्ति को कैसे ठूंसा जा सके, 146 व्यक्ति 18 बाई 20 की जो है उसमें कैसे आ सकते हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। और हॉलवेल ने जो सूची दी है उतने आदमी फोर्ट विलियम में मौजूद थे ही नहीं। हॉलवेल ने सूची दी थी कि ये व्यक्ति उसमें थे तो उसमें इतने व्यक्तियों की सूची जो दी है उसमें 146 आदमियों के नाम ही नहीं है। तो इस प्रकार जो लोग हैं वो इस घटना की सत्यता में विश्वास नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आए हैं। अगला जो चैप्टर है वो शीघ्र जारी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।